टिक्की चाट जिसकी खुशबू से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल आलू। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 5 बॉयल आलू, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाला है, कटा हुआ धनिया डाला है, अदरक डाला है और हरी मिर्च, व्हाइट सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा आमचूर, जीरा पाउडर डाला है, साथ ही रेड चिली पाउडर। बस इसके बाद थोड़ा सा दम लगा के आलूओं को मैश कर लें ताकि सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। के बाद कॉर्नफ्लोर या मैदे की जगह पर मैं डाल रही हूँ इस पे चावल का आटा। तो चावल के आटे से टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला है और आलूओं के साथ मिला के इसका एक डो रेडी कर लिया है। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। जब तक आप टिक्कियां रेडी कर रहे हैं तब तक आप तेल रखते हैं गर्म होने के लिए। तो आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर किसी पैन में बना सकते हैं। तो पैन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाल के इसको बना रही हूँ ताकि इसकी साइड्स भी अच्छे से पक जाएं। तो स्ट्रीट फूड कोई भी हो काफी हैवी होते हैं, तो आप इसे किसी मील की फॉर्म में यूज करें ना कि स्नैक्स की फॉर्म में। इनको खाने के बाद अगर नेक्स्ट मील आप काफी सारा सैलड खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जिससे कि ये आपको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और उतना हार्म भी नहीं करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करना कभी मत भूलिए। लीजिए, आलू की टिक्की रेडी हो गई है, बस इसे निकाल लेते हैं हम पेपर टाल पे। इन टिक्कीज को आप दही या चटनी के साथ वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चना टिक्की चाट खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगी। तो एक पैन में थोड़ा सा मैंने डाला है ऑयल और साथ ही डाला है बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और 2 लौंग डाले हैं, प्याज का पेस्ट डाला है मैंने साथ ही में और साथ ही डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट होने दें, उसके बाद ग्राइंड किए हुए टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सीजनिंग, तो सॉल्ट डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, साथ ही डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही डालेंगे चना मसाला पाउडर। तो इन सब चीजों को अच्छे से मिलाना है और एटलीस्ट 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छे से भूनने देना है। चाहे थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर लें ताकि ये सूखे नहीं। अब जितना ज्यादा ये मसाला रोस्ट होगा उतना ही आपका चना मसाला यम्मी बनेगा और उतनी ही टेस्टी बनेगी आपकी चना टिक्की चाट। बस तसल्ली से तड़के को अच्छे से भूनने दें और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए चना, जो कि मैं ऑलरेडी बॉयल करके रखती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि चना और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 7-8 मिनट के बाद जब आप लिड हटाएंगे तो चने बहुत ही अच्छे खुशबू दे रहे होंगे और बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे। उसके बाद प्लेट रेडी कर लेते हैं। 2 टिक्की डाली है प्लेट में, उसके बाद चना डाल दिए हैं, थोड़ा सा दही डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे इमली की चटनी और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर, प्याज डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ और साथ ही डाल देंगे इसमें सेव। तो लीजिए, आपकी चना टिक्की चाट रेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ, विच इज मैगी चीज रोल। सबसे पहले मैगी बनाएंगे, जो सबको बनानी आती भी है। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के सबसे पहले मैंने गार्लिक डाला है इसमें बारीक कटा हुआ, उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, साथ ही डाल देंगे वेजिटेबल्स अपनी पसंद की, गाजर डाली है बारीक कटी हुई, साथ ही शिमला मिर्च डाल दी है और साथ ही डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। स्ट्रीट फूड में ब्लैक सॉल्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 1 पैकेट आटा मैगी का डाला है, आप कोई भी मैगी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हमें सूपी मैगी नहीं बनानी है, बिल्कुल इतना डालना है कि मैगी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें टेस्ट मेकर डाल देंगे और कवर करके पकने देंगे। मैगी के साथ ही 2 चीजें हमें और ऐड करनी है जिन्हें हम अलग से फ्राई करेंगे। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में कटी हुई शिमला मिर्च डाली है, साथ ही पनीर के स्लाइसिस डाल दिए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है यानी कि ब्लैक सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा विनेगर भी डाल दिया। बस इनको 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। तो जब तक पनीर और शिमला मिर्च रेडी हुई तब तक मैगी भी रेडी हो गई, बस उसे भी उतार लेंगे। वो चीज़ें रेडी हो जाएं तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद रेडी करेंगे रोल। और रोल रेडी करने के लिए जो चपातियां मैंने यहाँ पे ली हैं उन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। 1/2 कप लिया है मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यानी कि रेगुलर फ्लोर जो हम यूज़ करते हैं, और 1/2 कप लिया है मैंने मैदा, साथ ही डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 पिंच डाला है मैंने बेकिंग पाउडर का, 1 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल का। बस इसका भी हमने डो रेडी कर लेना है नॉर्मल, जैसे हम चपाती के लिए डो रेडी करते हैं
वैसा ही इसका डो रेडी करना है। आप चाहे तो इसके लिए रेगुलर चपाती का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन रोल में बच्चे टॉर्टिया ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर टॉर्टिया जो आपको मिलते हैं वो मैदे के बने हुए ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप होममेड बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड कर लें तो कोई बुरी बात नहीं। रोल्स में तो अनलिमिटेड वैरायटी है, बहुत सारे टेस्ट हैं। स्ट्रीट्स में जाते हैं तो वहां पे जितने भी स्टॉल्स लगे होते हैं वहां पे डिफरेंट तरह के रोल्स रेडी किए जाते हैं। टॉर्टिया सेम होता है, बाकी फिलिंग आप कोई भी अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। नॉर्मल जो चपाती हम बनाते हैं उसका साइज काफी छोटा होता है, लेकिन जो रोल के लिए चपाती आपको बनानी है वो साइज में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और साथ ही पतली भी होनी चाहिए। इस तरह के रोल्स को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही इजी है। तो दोनों तरफ से आपको चपाती को सेक लेना है। आप बटर लगा सकते हैं, होममेड बटर भी लगा सकते हैं, या फिर कोई फ्लेवर बटर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गार्लिक बटर लगा रही हूँ। दोनों तरफ से बटर लगाते हुए इनको अच्छे से सेक लें और उसके बाद हम रेडी करेंगे रोल। जिसके लिए रोटी पे सबसे पहले मैंने एक चम्मच मेयो डाला है और उसके बाद डाल दी है स्वीट चिली सॉस। आप चाहे तो टोमेटो केचप का यूज भी कर सकते हैं। इसको रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देना है और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला, फिर डाल देंगे हम मैगी की फिलिंग, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें कैप्सिकम और पनीर की फिलिंग। देन हम डाल देंगे इस पे चीज़। आप यहाँ पे स्लाइस चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़, कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, मैगी चीज़ रोल रेडी है। आई स्वेयर आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे, तो एक बार उन्हें बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट रेसिपी, ड्राई मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए पत्ता गोभी का यूज तो मैं कर ही रही हूँ, साथ ही मैं एक गाजर भी डाल रही हूँ क्रश करके। आप चाहें तो अकेली पत्ता गोभी के साथ भी मंचूरियन बना सकते हैं, लेकिन इसका जूस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, स्पेशली गाजर में बहुत पानी होता है। अगर हम पानी नहीं निकालते हैं तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकते हैं, तो इसलिए इसका पानी निकालना ज़रूरी है। लेकिन इस पानी को वेस्ट ना करें, आप इस पानी को पी सकते हैं। ये आपके पास हाफ अ ग्लास ऑफ जूस रेडी हो गया है। पत्ता गोभी और गाजर के मिक्सचर में डालेंगे थोड़ा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और गरम मसाला। इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच के अराउंड कॉर्नफ्लावर और साथ ही डालेंगे 2 चम्मच मैदा और बस इसका एक डो रेडी कर लेंगे। तो सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है, साथ ही इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर और मैदा, तो इनके फटने के अब कोई चांसेस नहीं है। अब छोटे छोटे बॉल्स जैसे भी आप बनाना चाहें तो उनको बना के साइड रखते जाएं और उसके बाद हम तेल गरम करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तेल गरम होना चाहिए, लेकिन इतना गरम नहीं होना चाहिए कि डालते ही बॉल्स ब्राउन हो जाएं, और वैसे भी हमें इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो लीजिए, सभी मंचूरियन बॉल फ्राई हो चुके हैं, इनको हम साइड रख देंगे और उसके बाद रेडी करेंगे इसका तड़का। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद इसमें डाल दिया है बहुत सारा गार्लिक, क्योंकि गार्लिक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरा प्याज, अदरक डालेंगे बारीक कटा हुआ, साथ ही डाल दी है हरी मिर्च। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद साथ ही इसमें डाल देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें डाल देंगे सारी सॉसेज। सबसे पहले मैंने डाली है इसमें टोमेटो केचप, साथ ही डाल दिया है रेड चिली पेस्ट। आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल देंगे सोया सॉस, साथ ही 1 चम्मच के अराउंड मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है, यानी कि सिरका। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 3-4 मिनट इसे पकने देंगे। क्योंकि हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पानी ज़्यादा डल जाए तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालें, उसका पेस्ट बना के उसमें ऐड कर दें, तो इमीडिएटली आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर, तो ड्राई मंचूरियन के लिए यही चीज़ हमें चाहिए होती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स और ग्रेवी को मंचूरियन बॉल्स के साथ अच्छे से हम कोच कर देंगे। साथ ही गार्निश के लिए दोबारा फिर से डाल देंगे हरा प्याज। तो लीजिए, यम्मी ड्राई मंचूरियन रेडी है। हमने तो एंजॉय कर लिया, अब आप भी एंजॉय करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।